नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो वीडियो में लेके आया था। आज उसी से संबंधित बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रारंभिक विद्युत के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अचालक नहीं है, जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अभ्रक, पोर्सलीन, कागज़ और जर्मेनियम, इन चारों में से कौन सा अचालक नहीं है। तो अभ्रक जो है वो इंसुलेटर यानी अचालक है, कागज़ भी अचालक है और पोर्सलीन भी अचालक है, लेकिन जो जर्मेनियम है वो अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक कहलाते हैं, और जो अचालक होते हैं यानी इंसुलेटर, वो अभ्रक, पोर्सलीन और कागज़, ये तीनों अचालक हैं। जो विद्युत पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, वो तीन प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इनके बारे में मैं बोला था कि आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद विद्युत दिष्ट धारा, किसी बंद विद्युत डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। ओम का नियम मैं बताया हूँ कि ओम के नियम में किसी बंद डीसी परिपथ में जो प्रतिरोधों के सिरों में पैदा होने वाला विभवांतर है, वो प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल किसके बराबर होता है। तो जूल और कैलोरी के बीच रिलेशन भी मैं बताया था, एक जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। जूल और कैलोरी दोनों के बीच बताया था रिलेशन, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की दो वीडियो हैं उनको पहले आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिए तो और आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत परिपथ में 3, 4, 5 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि 4 ओम प्रतिरोध में से 150 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो 3 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा होगी। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक विद्युत परिपथ में 3-4 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि 4 ओम प्रतिरोध में से 150 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो 3 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले समानांतर क्रम, रेजिस्टेंसों का समानांतर क्रम और सीरीज क्रम, दोनों श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम पढ़ा चुके हैं। जो इसका डायग्राम बनेगा इस तरह बनेगा, ये तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों रेजिस्टेंस समानांतर क्रम में जुड़े हैं। जो मान दिया हुआ है 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 4 ओम प्रतिरोध में से 150 मिली एम्पियर, इसमें से 150 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो हमको निकालना है कि 3 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, 3 ओम वाली में निकालना है। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज अगर निकाल लें, वोल्टेज ड्रॉप समानांतर क्रम में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है भी सभी में सेम होगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा उतना इसमें भी और उतना इसमें भी होगा। ये 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अगर, तो इसमें करंट 150 मिली एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, तो इसलिए इसका वोल्टेज ड्रॉप भी इक्वल टू आई इंटू आर, ओम का नियम होता है, इसमें रख देंगे तो 150 × 4 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 64 और 10। ये जो वोल्टेज आएगा ये भी मिली वोल्ट में आएगा, क्योंकि करंट जो है मिली एम्पियर में है, तो इसलिए वोल्टेज 600 मिली वोल्ट। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 600 मिली वोल्ट है, तो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें भी वोल्टेज जो है 600 मिली वोल्ट होगा,
वोल्टेज इसमें दिया है और रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, तो इसमें करंट धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो धारा आपको निकालना है, तो I इक्वल टू V बटे R, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस 600/3, और इसको डिवाइड कर दिए तो हो गया आपका 200 mA। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्वेश्चन 4th का C, 200 mA। अगला क्वेश्चन है, 2 ओम प्रतिरोध, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो वो इस तरह जुड़ते हैं, और जो श्रेणी क्रम का टोटल रेजिस्टेंस होता है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है, तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका योग यानी सभी रेजिस्टेंसों को ऐड कर देंगे तो कुल प्रतिरोध निकल आएगा, 3, 2, 5 और 6, 11। तो इसका आंसर हो गया 11 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के तार का विशिष्ट प्रतिरोध 64×10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर है, लंबाई 198 सेंटीमीटर और प्रतिरोध का मान 7 ओम है, तो तार की त्रिज्या क्या होगी। तार की त्रिज्या हमको निकालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो दिया हुआ है 64×10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। जो कंडक्टर है, चालक है, उसकी लंबाई दी हुई है 198 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस का मान दिया है 7 ओम। हमको त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने से पहले हमारे पास एरिया अगर निकल आए, जो एरिया होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अगर निकल आए तो त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस और विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का जो रिलेशन होता है R इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है, तो A इक्वल टू रो एल अपान R हो जाएगा। ये विशिष्ट प्रतिरोध, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रारंभिक विद्युत में जो प्रतिरोध पढ़ाए थे, तो ये बताया था मैं कि R जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, A बराबर रो एल अपान आर, यहाँ पर जिसका जिसका मान दिया है सबका रख देंगे, रो का मान दिया है 64×10⁻⁶ जो लंबाई है 198/7 दिया हुआ है, ये जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, इसको काट सकते हैं, 7 × 2 = 14 हुआ और ये 7 × 14 = 58, एक मिनट ये नहीं कटेगा तो अभी मत काटिए, रहने दीजिए, 64×10⁻⁶ × 198/7, तो इसको 64×198×10⁻⁶/7, ये जो है A की वैल्यू आई है। जो एरिया होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, जो कि वृत्त के आकार का रहता है, तो इसलिए इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर A की जगह रख देंगे पाई आर स्क्वायर और R की वैल्यू निकालनी है, तो 64×198×10⁻⁶/7, यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है, तो R स्क्वायर पाई को उधर ले जाएंगे तो नीचे हो जाएगा 64×198×10⁻⁶/7 गुणे पाई का मान 22/7 यानी 22/7 रखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 से इसको भी काट देंगे, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11 और 8 × 88 = 11 × 8 = 88, 2 × 9 = 18। तो R स्क्वायर 64×9/10⁻⁶ ऊपर है, इसको अगर नीचे लाएंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा,
अब आर की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो आर बराबर अंडर रूट 64 गुणे 9 बटे 10 की पावर 6। सभी का वर्गमूल निकालेंगे, 64 का 8 होता है, 9 का 3 होता है और 10 की पावर 6 है, तो इसका वर्गमूल 10 की पावर 3 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 बटे 1000, 10 की पावर 3 का मतलब 1000। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3123, तीन संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.024। तो ये कैलकुलेशन करना था, सिंपल सा है कैलकुलेशन, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एयर रेडियस जो है, त्रिज्या है, वो सेंटीमीटर में आ गई, 0.024। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, 0.024 सेंटीमीटर रेडियस होगी। अगला क्वेश्चन है, जूल के नियमानुसार उत्पन्न ऊष्मा, जो जूल का नियम पढ़ाए थे, H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, तो जो उत्पन्न ऊष्मा है, हीट है, वो करंट के, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंपल ही क्वेश्चन है, 150 ओम तथा 125 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट स्रोत के आर पार जुड़े हों, तो परिपथ की विद्युत धारा क्या होगी। टोटल करंट निकालना है, सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा और फिर वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करके विद्युत धारा निकाल आएगी। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बंद डीसी परिपथ में किसी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। ये जो किरचाप का प्रथम नियम है, किरचाप का जो धारा का नियम है, वो है कि किसी बंद डीसी परिपथ में किसी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रो एल अपान ए होता है, आर इक्वल टू रो एल अपान ए होता है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। अगला है, उसके कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, संधारित्र में एकत्र होने वाली विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। जो संधारित्र होती है, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टिव चार एलिमेंट होते हैं। तो संधारित्र में जो एनर्जी स्टोर होती है, उसका फार्मूला इक्वल टू 1/2 CV2। कैपेसिटर आप लोग पढ़े होंगे, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को स्टोर करती है। दो चालक होते हैं, उनको किसी अचालक पदार्थ द्वारा पृथक करके संधारित्र बनाया जाता है। अगला है, किरचाप के नियम प्रयोग किए जाते हैं। जो किरचाप का नियम है, वो डीसी परिपथ के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो परिभाषा, उसमें भी बोला ही रहता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में, यानी किरचाप का नियम डीसी परिपथ में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर परिपथ में प्रतिरोधों के आर पार विभवांतर। जो समांतर परिपथ है, उसमें जो विभवांतर होता है, यानी जो वोल्टेज होता है, वो हमेशा नियत रहता है, एक समान रहता है सभी प्रतिरोधों में, यानी नियत रहेगा। और श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो होता है, वो डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों को अति तापन से किससे बचाया जा सकता है। अगर एक्स्ट्रा करंट से जो विद्युत परिपथ है, तो उसमें कौन सी ऐसी डिवाइस लगाई जाती है ताकि विद्युत परिपथ हमारा बचा रहे, तो उसके लिए फ्यूज लगाया जाता है। अगर एक्स्ट्रा करंट, उससे ऐसा वायर है फ्यूज जो कि एक्स्ट्रा करंट को, जब उसमें एक्स्ट्रा करंट प्रवाहित होती है, तो वो परिपथ को ब्रेक कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी मोटर
6 वोल्ट बैटरी से चलाई जाती है। यदि मोटर कॉइल्स का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? भी का मान दिया है 6 वोल्ट और प्रतिरोध 4.5 ओम। भी और आर दिया है, हमको करंट निकालना है। ओम के नियम से सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉल्व करके कि कौन सा आंसर सही है। अगला ये प्रतिरोध का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। 14 मीटर लंबे तथा 0.14 सेंटीमीटर व्यास वाले यूरेका तार का प्रतिरोध 2.5 ओम है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? रो की वैल्यू निकालनी है। आर दिया है, एल दिया है और ए दिया है। तो जो R इक्वल टू होता है रो L अपान A, तो यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A अपान L। तो ये फार्मूला लगेगा और इस फार्मूले में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, लंबाई मीटर में है लेकिन यहाँ पर जो व्यास दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है। तो इनको सबको सेम करना है यूनिट को और सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आंसर इसका आ रहा है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है। एक बल्ब 3.6 वोल्ट पर 0.9 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ये भी ओम के नियम से सॉल्व होगा। इसमें आपको वोल्टेज दिया है, भी का मान दिया है 3.6 वोल्ट और करंट आई दिया हुआ है 0.9 एम्पियर। हमको निकालना है रेजिस्टेंस आर इक्वल टू भी अपान आई, यानी 3.6/0.9। दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद इधर सेम डिजिट हैं, तो इसलिए हो जाएगा 36/9 और इसको काट दिए तो 9 चौको 36, 4 ओम। तो इसका आंसर हो गया 4 ओम। अगला है, यदि 15 ओम के प्रतिरोध से 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो व्यय शक्ति, हमको पावर निकालना है। रेजिस्टेंस दिया है, आर की वैल्यू दी हुई है 15 ओम और जो करंट दिया हुआ है आई 25 एम्पियर। हमको पावर निकालना है पी इक्वल टू आई, पी इक्वल टू होता है भी इंटू आई, व्यय शक्ति भी इंटू आई होता है। और यहाँ से भी की वैल्यू अगर निकालें तो भी इक्वल टू होता है आई इंटू आर, यहाँ पर हो जाएगा 15×25 आई इंटू आर, 15×25×15, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी की वैल्यू निकल आएगी, पावर निकल आएगी, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। किलो वाट में है ये पावर जो निकलेगी वो वाट में निकलेगी और किलो वाट में अगर किलो वाट में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो वाट में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 40 वाट का फ्लोरोसेंट लैम्प 0.16 एम्पियर धारा लेता है तो उसे प्रकाशित करने के लिए कितने विभवांतर की आवश्यकता होगी? यहाँ पर भी पावर दी हुई है और करंट भी दी हुई है, हमको वोल्टेज विभवांतर निकालना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पावर वाले जो फार्मूले हैं और ओम के नियम से संबंधित। ये सब मैं जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की दो वीडियो डाला हूँ उसमें सभी एक एक दो दो क्वेश्चन भी करवाया हूँ, आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको भी और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। लैंप का जो धारा है करंट है वो दिया हुआ है और पावर दी हुई है, विभवांतर हमको वोल्टेज निकालना है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा। अगला ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये दो प्रतिरोध 9 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? इसको भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन मैं लेके आया था, इनको आप लोग देख लीजिए और बुक में भी जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।